देवघर पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर देवघर जिला के रिखिया थाना पथरगा ओपी एवं जसीडी थाना क्षेत्र में छापेमारी कर कुल 8 साइबर अपराधी को किया गिरफ्तार। 14 मोबाइल, 18 सिम और 5 एटीएम को किया बरामद। देवघर के साइबर डीएसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि लगातार साइबर अपराधियों की गिरफ्तारी की जा रही है, साथ ही साइबर क्राइम के मामले में भी वृद्धि हो रही है और साइबर क्राइम के नए नए तरीके सामने आ रहे हैं। गिरफ्तार साइबर आरोपी फ्लिपकार्ट में फर्जी कैशबैक के माध्यम से ठगी करता था। डीएसपी ने बताया कि साइबर क्राइम से बचने के लिए किसी तरह कैशबैक के लोभ में लोगों को नहीं पड़ना चाहिए। तान को जो लगातार साइबर अपराधियों के विरुद्ध गुप्त सूचनाएं मिल रही है, उसमें 3 थाना क्षेत्र जिसमें कि पथरड्डा, रिखिया और जसीडी थाना क्षेत्र में 8 साइबर अपराधियों की गिरफ्तारी हुई, जिनके पास से 14 मोबाइल फोन, 5 एटीएम कार्ड, 18 सिम बरामद हुआ। ये इनका जो मोडस है वो बेसिकली वही कैशबैक दे करके कस्टमर केयर के अधिकारी बनकर ठगी करना है। इसमें से जो एक लड़का है जो कि आपका राजकुमार है, वो बेसिकली पैसों की सप्लाई कर रहा था। पैसों की सप्लाई का मतलब ये होगा कि वो जो पैसे साइबर अपराधी मारते थे उनको उठाकर वो दूसरे जगह वो देता था। इसमें 2 लोग हैं जिसमें अभियुक्त संतोष दास और अभियुक्त डब्लू कुमार दास, ये दोनों पूर्व में भी साइबर अपराध में जेल जा चुके हैं।